वेलकम टू माई चैनल। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने पतंजलि का जौदलिया लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है, पौष्टिक आहार होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उस जर्नी में आपका ये बहुत साथ देगा, और इसमें आपको फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और ये इसका सेवन करने से आपको, अगर आप 100 ग्राम सेवन आप इसका रोज करते हैं, तो आपको 35 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये रोस्टेड नहीं होता है, इसको हमें खुद भूनना पड़ता है। और इसके साथ मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ली है, प्याज है इसमें, मटर है, बीन्स है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, अदरक है, जैसे जैसे आपको टेस्टी है फ्लेवर, लहसुन, टमाटर सब डाल सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल था, मैंने वही लिया। एक कुकर में मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, और उसमें मैं आपको दलिया को भून लेना है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम दलिया लिया है, क्योंकि मेरी डाइट में 50 ग्राम दलिया ही शामिल है, और 100 ग्राम सब्जी के साथ मुझे बनाना है, तो मैंने यही रेशो रखा। तो 50 ग्राम दलिया आपने लिया, 50 ग्राम दलिया भूनने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 400 ml पानी डालना है, क्योंकि 50 ग्राम का जो रेशो होता है उसका 400 ml का पानी का आपको रेशो मिलता है, तभी आपका दलिया अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला, हल्दी डाला, मसाले डाल दिए, जैसे जैसे आपको टेस्ट चाहिए वो आप यहाँ पे मसाले अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के ना जीरा डाला, फिर इसमें सारी सब्जियाँ मैंने फ्राई कर ली। आप हींग डाल सकते हो डाइजेस्ट के लिए, वैसे जौदलिया अपने आप में डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा करता है। तो इसमें मैंने थोड़े सारी सब्जियाँ फ्राई कर ली, उसके बाद फ्राई करने के बाद मैंने इसे कुकर में डाल दिया और सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया। 5 से 6 सीटी आप लगाएं हाई फ्लेम में, और जब 5 से 6 सीटी लगने के बाद आपका देखो दलिया तैयार हो जाता है, और आप इसे खाएं, औरों को भी खिलाएं। कम से कम 2 लोग इजीली खा लेते हैं इसको, और हेल्दी रहें। बाय बाय।